दोस्तों हम लोग अपनी या फिर किसी की स्टोरी म्यूजिक के साथ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका। अगर आप जानना चाहते हो छोटी सी वीडियो की, वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यास भैया, स्वागत है मेरे रूप नॉल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए प्रॉपर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। बात कर लेते हैं प्रोसेस की, अपनी या फिर किसी की स्टोरी म्यूजिक के साथ कैसे डाउनलोड कर सकती हूँ, और इसके लिए मैं आपको इंस्टाग्राम में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपनी स्टोरी आप कैसे डाउनलोड कर सकती हो, और इसके लिए आपको इंस्टाग्राम में सबसे पहले एक सेटिंग करना है। नीचे प्रोफाइल फोटो आइकन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऊपर थ्री लाइन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर नीचे देखिए योर ऐप एंड मीडिया, और उसके नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है आर्काइविंग एंड डाउनलोडिंग, यह ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव स्टोरी टू आर्चिव, और ये सेटिंग ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। अगर आप ये सेटिंग ऑन करोगे सेव स्टोरी टू आर्चिव, आपके सारे पोस्ट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में सेव हो जाएंगे, कभी डिलीट नहीं होंगे, यहाँ पर हमेशा सेव हो जाएंगे। सो ये सेटिंग ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर एक है सेविंग टू कैमरा रोल, नीचे ऑप्शन है सेव ओरिजिनल फोटोज, ये सेटिंग ऑन करना है, जैसे पहले से मेरा ऑन है। फिर नीचे ऑप्शन है सेव स्टोरी टू गैलरी, जैसे ये सेटिंग मेरा पहले से ऑन है, सेव स्टोरी टू गैलरी ये सेटिंग ऑन करना है। नीचे यहाँ पर एक लिखा है ऑटोमेटिकली सेव योर स्टोरी टू योर फोन गैलरी, ठीक है। तो आपको ये सेटिंग ऑन करना है। अभी मैं आपको एक स्टोरी शेयर करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से मैं एक स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, और ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया, म्यूज़िक भी ऐड कर लेते हैं, और ये म्यूज़िक ऐड करते हैं, और यहाँ से डन करते हैं, और इसे शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यह स्टोरी मैंने शेयर कर दिया है, एक बार ये शेयर हो जाए दोस्तों, बड़ी आसानी से अपनी स्टोरी या फिर किसी के स्टोरी म्यूज़िक के साथ डाउनलोड कर सकते हो, सीधे फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। एक बार ये जो मेरा स्टोरी ये शेयर हो जाए, और ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो तरीके बताऊंगा, ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो आप यहाँ पर म्यूज़िक सुन सकते हो, जैसे यहाँ पर ये स्टोरी में शेयर हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर ये म्यूज़िक के साथ ये स्टोरी मैंने शेयर किया है, ठीक है। अभी मैं आपको गैलरी में लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको गैलरी में लेता हूँ, और यहाँ पर दिखाता हूँ, कॉल में आते हैं। वैसे ये गैलरी में सेव हो जाना चाहिए, लेकिन देख सकते हो मेरे फ़ोन के गैलरी में ये सेव नहीं हुआ है, हो सकता है इंस्टाग्राम में कोई बग हो, लेकिन आप ये पहला तरीका ट्राई कर सकते हो, इससे 100% आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। फिलहाल मेरे गैलरी में तो ये सेव नहीं हुआ, लेकिन आपको ये पहला तरीका ट्राई करना है अपने स्टोरी को सेव करने के लिए बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट यूज़ किए, ठीक है। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, जो रामबाण तरीका है, और ये 101% वर्किंग तरीका है, ठीक है। वापस से इंस्टाग्राम में चलते हैं, और यहाँ से हम किसी के स्टोरी को देख लेते हैं, अगर किसी ने स्टोरी यहाँ पर शेयर किया होगा, ये स्टोरी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टोरी लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इसमें म्यूज़िक है, ठीक है, इसमें म्यूज़िक है। तो यहाँ पर देखिए, ये शेयर ऑप्शन है, शेयर आइकन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन है कॉपी लिंक, ये लिंक आपको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लिंक कॉपी करना है, लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगा क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ कीजिए, और यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड। ये मैं देख रहा था, ये वेबसाइट मैं चेकआउट कर रहा था, देखिए बहुत सारे यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेंगी, और यहाँ से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। चलिए ये वेबसाइट करते हैं, ठीक है, स्नैप इंस्टा, ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो, सर्च करके भी ओपन कर लीजिए, ठीक है। और जो लिंक आपने कॉपी किया है वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कीजिए, नीचे ऑप्शन है डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ पर देखिए वीडियो आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसने जितने भी स्टोरी शेयर किया होगा सारे स्टोरी यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर लिंक करते हो, ठीक है, पेस्ट करोगे, देखिए यहाँ पर सारे स्टोरी आ चुके हैं। जैसे ये वाला स्टोरी मैं देख रहा था, डाउनलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको इसे कट करना है, और यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट
हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं आपको गैलरी में लेकर दिखाता हूँ, और यहाँ पर देखिए, देख सकते हो यहाँ पर, और आपने यहाँ पर म्यूजिक भी सुना, ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अपनी स्टोरी भी आप ये प्रोसेस डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पर वापस से आते हैं, योर स्टोरी में आना है। ठीक है, जो आपने स्टोरी शेयर किया है, नीचे यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए कॉपी लिंक ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है, नीचे ऑप्शन है सेंड, यहाँ पर क्लिक करोगे और नीचे ऑप्शन है कॉपी लिंक, यहाँ से लिंक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद वापस से आपको इसी वेबसाइट में आना है, और यहाँ से वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यह लिंक यहाँ पर वापस से आपको पेस्ट करना है, फिर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे यह प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे, ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड वीडियो ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और इंस्टेंट यहाँ पर यह डाउनलोड हो जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पर यह डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। फिर से आपको गैलरी में लेकर चलता हूँ, और ये देखिए जो मैंने शेयर किया था, म्यूज़िक भी सुनिए, तो आपने म्यूजिक भी सुना। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपनी स्टोरी या फिर किसी की स्टोरी म्यूजिक के साथ सीधे फ़ोन के गैलरी में डाउनलोड कर सकती हो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट वेबसाइट लिंक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जरूर से वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।